कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की मांग की थी, जिस पर कर्नाटक में भाजपा सरकार द्वारा सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ हुए मुकदमे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखी, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार से सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने कहा कि विपक्ष में बैठी पार्टी को सत्ताधारी पार्टी से सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार कांग्रेस को यह अधिकार से भी वंचित रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घोटालों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर घोटालों को छुपाना चाहती है। आज देखिए, पूरे देश में जो एक भयंकर आपदा तो चली रही है, उस आपदा में निश्चित रूप से सारी पार्टियां साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति का कार्य कर रही है, उसका हम सब लोग घोर विरोध कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पीएम केयर फंड का हिसाब मांगा, जो हिसाब पीएम केयर फंड एक ऐसा फंड बनाया गया जो प्रधानमंत्री राहत कोष से अलग कोष है, जिसका ना तो आरटीआई से कोई सूचना मांग सकता है, ना जिसमें कोई सार्वजनिक तरीके से लोग हैं, उसका हिसाब मांगने पर कर्नाटक में राष्ट्रीय अध्यक्षा के नाम पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, हम समस्त कांग्रेस परिवार उसका पुरजोर विरोध करते हैं। जिस प्रकार से आज पूरे देश में किसानों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, सड़क पर लोग मर रहे हैं, और कोरोना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और किसी भी विपक्ष को ना तो कार्य करने दे रही है, और यदि वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका विरोध करती है। हमारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बताइए 1000 बसें, हम कहते हैं उसमें से 10-20 बसों के नंबर यदि गलत भी थे तो 850 बसें मौजूद थीं, पूरे 24 घंटे वो सड़क पर खड़ी रहीं। यदि उस बस में आधे मजदूर भी आते तो वो अपने घरों पर पहुंचते, परिवार के बीच में होते, लेकिन केवल योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने राजनीतिक के तहत वो दुष्कर्म किया और ना मजदूरों को अपने घर परिवार में जाने दिया, ना जनता को उसका फ़ायदा लेने दिया। राजनीति से भ्रमित ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम अपने इस धरने के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि देश में इस समय भयंकर महामारी है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे, समस्त जन समुदाय एकजुट होकर इस महामारी से युद्ध लड़े और हम सब लोग उसके साथ हैं। देखिए, इस समय हम वो वाली बात विवादित ना करके, लेकिन बात केवल यही है कि जिसमें कोई विपक्ष का नेता नहीं है, पूरे देश की इतनी मजबूत राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और उस केयर फाउंडेशन में कोई विपक्ष का नेता नहीं है, तो आप बताइए उसका क्लेरिफिकेशन कौन देगा और कौन लेगा। जिसकी स्पष्टता नहीं होगी, जिसके फंड को यूज़ करने के लिए उसका पूरी तरीके से विवरण नहीं होगा, पूरा क्या खर्चे का लेखा जोखा नहीं होगा, तो आखिर उस पर जवाबदेही किसकी होगी? तो ये जवाबदेही, ये पैसा जनता का पैसा है, हिंदुस्तान के नागरिकों का पैसा है, जिसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए। उसमें यदि कोई आदमी या कोई विपक्ष का नेता जवाब सवाल करता है तो उसका बुरा ना मानते हुए जो बदले की राजनीति से एफआईआर दर्ज हो रही है, ये बहुत गलत है और राजनीति और द्वेष की भावना से